जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो है हम 8 साइट से हैं इंटर, तो हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। फिलहाल हमने वीडियो में बताया था, लेकिन काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ वाई ग्रुप वालों के लिए है, एक्स वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझ में आ जाएगा अंतर यहाँ पे दोनों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 10+2, फिर यहाँ पे 12th, इंटरमीडिएट, इक्विवेलेंट एग्जाम विथ मैथ फिजिक्स, यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। तो आपको यहाँ पे यदि आप आर्ट साइड साइड से पास हैं या फिर साइंस साइड से हैं, किसी से भी हो, तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करेंगे। यदि आपने 10+2 यानी साइंस मैथ से नहीं किया है, वो आप डिप्लोमा किए हैं, तो उस ऑप्शन में आप तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे। और ये वाला ऑप्शन कोई वोकेशनल कोर्स होता है अदर से, अदर या आपने यानी यूपी बोर्ड से ना करके किसी दूसरे बोर्ड से किया हुआ है, या फिर आप यूपी बोर्ड से ही कोई दूसरे सब्जेक्ट से या फिर अदर कोई कोर्स करके रखे हैं 2 साल में, जो आपका यहाँ पे होता है 10+2, वो वाला कोर्स ना होके, तो उस केस में आप यहाँ पे चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूपी बोर्ड की तरफ से सामान्यता कराया जाता है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो आपको पहला ऑप्शन ही चूज करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा, क्योंकि ये सभी के लिए पास होना जरूरी है, वो भी 50% के साथ। इसे नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं दोगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, तो आपको इसको यस ही करना है, इस पर यस कर देंगे। उसके बाद नीचे आता है मेन मैटर, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, तो केमिस्ट्री का तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, फिजिक्स और मैथ का। यदि आप साइंस साइड से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। तो चूंकि हम वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वाई ग्रुप में फिजिक्स या मैथ नहीं रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम नो कर देंगे। यदि आप फिजिक्स मैथ इंटर में हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ से आप एक ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पे नो कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाएंगे अदर देन साइंस साइड। ठीक, तो यहाँ पे नो कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी सिर्फ वाई ग्रुप वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। यदि यहाँ पे आप नो कर देते हैं, फिजिक्स मैथ है तो यस करेंगे, तो दोनों ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो दोबारा से हम प्रोसेस ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। या फिर आप यहाँ पे यूपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपका जो भी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है, जो भी बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस सेम टू सेम हो जाएगा। अब नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपसे क्या मांगा जाएगा, यहाँ पे टोटल परसेंटेज मांगा जाएगा आपका, जो कि इंटर में आपके दिया गया है। परसेंटेज में आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, अगर आपका 59.99 है तो आपको 59 यहाँ पर लिखना है, 60 नहीं लिखना है। उसके बाद आप मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ पर मार्कशीट कैसे अपलोड करना है उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अग्निपथ वायुसेना 2022 के नाम से हमने यहाँ बना दी है, 5 वीडियो अब तक इस पर अपलोड हो गए हैं एयरफोर्स से संबंधित। आप अपना जो प्रॉब्लम है यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है। फिर यहाँ पर आप आएँगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का मार्क्स डालना है, यहाँ पर देखिए परसेंटेज दे रहा है, चूँकि यूपी बोर्ड में परसेंटेज लगभग 100 में ही रहता है सभी का, तो इस वजह से 100 यहाँ पे जो मार्क्स मिले आपको वही डालना है। सीबीएसई में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको फिर वहाँ पे कन्वर्ट करने का प्रोसेस दिया रहता है, वो आपकी मार्कशीट में होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आया रिव्यू है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज सब्जेक्ट इन क्लास 10th या 12th इंटरमीडिएट, यदि आपने बायो से इंटर किया है तो भी आप यहाँ पर ऑप्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। हैव यू एनी अदर मार्कशीट, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही ऑप्शन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आपको मार्क्स डालना है, यहाँ पर आपको टोटल इंटर का डालना है, नीचे आपको यहाँ पे इंग्लिश का डालना है, दोनों में आपके 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, बस 2 ही चीज़ यहाँ पे वाई ग्रुप वालों के लिए ज़रूरी है, बस इतना ही प्रोसेस है। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू करके सेम प्रोसेस हमने इसके पहले बता दिया है, वो आप देख के भर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो देर से पता चलेगा, लेकिन अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।